एक बार एक पापड़ी बेचने वाला आया, और पापड़ी बेचने वाला जानते हैं वह मिस्टेक से चना चूर गरम बेच रहा था, और उसको बेचने का डायलॉग गजब का था, और उस मोहल्ले के सारे बच्चे को अपने पास ऐसा बोलता था ना कि सारे बच्चे उसके पास पहुंच जाते थे। ऐसा डायलॉग बोलता था, जानते हैं क्या बोलता था? चना चूर बेच रहा था, चना चूर बेच रहा था। तो देखे होंगे रोटी के जैसा होता है, तो चना चूर वाला था, तो बोल रहा था चना चूर गरम, बाबू बनाया मजेदार चना चूर गरम। देखिए गाना सुनकर के बच्चे रुकते नहीं है, भागते हुए आते हैं। इसको डुगडुगिया पोए पोए बजाने वाले वस्तु की जरूरत नहीं पड़ा, बस ये बोला बच्चे पूरा टूट पड़े। लेकिन बच्चे के पास स्थिति क्या थी ना कि उनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन संजोग से उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिस बच्चा को परिवार के सारे लोग बहुत प्यार करते थे। बच्चा क्यूट था, बच्चा को प्यार करते थे। आप सब भी ऐसे ही घर में आप प्यार पाते होंगे। तो सोम पापड़ी बेचने वाला क्या बेच रहा था? चनाचूर बेच रहा था। क्या बोला? चनाचूर करम बाबू बनाया मजेदार चना चूर गरम, पन्ना पलटे सरासर कलम चले फराफर। बताइए चनाचूर गरम एक तरह से यहां पर छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ? टॉपिक भी छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है वो तो कुछ देर में पता चलेगा। तो जैसे ही बच्चा इस पापड़ी वाला के पास आया, उसको कुछ भी नहीं मिला, तब जानते हैं बच्चा ने क्या किया? अपने घर वाले के पास जाकर के जिद किया। तो घर वाले इतना प्यार उसको करते थे ना कि घर वाले बर्दाश्त नहीं किए, और उनके घर से दादी माँ, उनके माँ, उनका पिताजी, उनके चाचा जी, उनका चाची जी, सारे लोग, उनके सारे के सारे लोग, देखिए बच्चा के लिए कितना लोग ललायत थे, सब लोग आकर के और इसके पास से वस्तु को खरीदे। देखिए यहाँ दादी माँ भी खरीदी तो बच्चा के लिए ही, यहाँ माँ भी बताइए प्राप्त की, क्योंकि माँ के पास से देखिए यहाँ माँ के पास जो आ रहा है ना वो इनसे कुछ ले ली कि थोड़ा सा हमरा भी दे दीजिए, हम भी बचवा को दे देंगे। तो देखिए यहां से पापड़ी वाला से दादी माँ, घर के मालकिन होती है, और दादी माँ भी डायरेक्ट बच्चा को दी, और इधर दादी माँ से माँ भी ले ली और माँ भी बच्चा को दी, और इधर देखिए पिताजी डायरेक्ट खरीदे हैं इससे, पिताजी डायरेक्ट खरीदे इससे, और पिताजी जाकर के बच्चों को दे दिए। इधर देखिए चाचा जी पर अधिकार किन की है? चाची जी का, चाची जी को दिए और चाची जी भी यहां दिए, और यहां चाचा जी भी बच्चा को दिए। तो यहां पर देख रहे हैं इस बच्चा को कितने जगहों से मिल रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 तो ये बच्चा को प्राप्त हुआ कहां कहां से? 5 जगह से। तो ये 5 जगह से जब इस बच्चा को ही प्राप्त हुआ तो ये सारे के सारे बच्चे को दे रहे हैं। तो ये देखने में बताइए ये कैसे जाल का जैसी रचना बन रही है, ये सीधा नहीं बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? जाल की जैसे बन रही है। तो ये जब जाल की जैसी रचना बनेगा और सारा के सारा यानी प्रोडक्ट जो उत्पाद है ये बच्चा तक पहुंचेगा, तो ये सारा यानी ऊर्जा को प्राप्त करने वाला कौन हुआ? बच्चा। तो ये यदि सीधा इसको करेंगे, ये सीधा करेंगे पापड़ी वाला, दादी माँ, बच्चा, तो एक सीधा श्रृंखला बनेगी। तो ये जो सीधा जो श्रृंखला बनेगी वो कुछ और दर्शाएगा, लेकिन इसको सब के एक दूसरे के सहारे ऐड करेंगे तो यह जाल की जैसी रचना बन जाएगी। और यही जो जाल की जैसी रचना बनेगी ना, तो यही जाल जैसी रचना का नाम होगा यहाँ ये आहार जाल। क्या नाम होगा? आहार जाल। खाने वाला ही ना वस्तु बेच रहा था, तो बच्चा खा ही ना रो रहा था। बच्चा किस लिए रोता? खिलौना के लिए, खाने की वस्तु के लिए। तो बच्चा को पापड़ी की प्राप्ति हुआ कितने तरह से? 5 तरह से। तो 5 तरह से जो बच्चे को प्राप्त हुआ यह एक प्रकार का यानी उसका जालनुमा रचना दर्शाया, और यही जो जालनुमा रचना जो बच्चा को प्राप्त हुआ ना, वही जालनुमा रचना में जो बच्चा आहार को प्राप्त किया, वही जालनुमा रचना का नाम पड़ा क्यों जी? आहार जाल। क्या नाम पड़ा? आहार जाल। एक बार संजोग से हुआ भी ऐसे ही। क्या हुआ संजोग से? संजोग से हुआ कि एक बार मैदान में टहल रहे थे,
जहां घास ही घास था, और घास के मैदान में जब टहल रहे थे तो घास के मैदान में टहलते टहलते कुछ हमें दिखाई दिया, कुछ हमें दिखाई दिया उसमें घास के मैदान में। घास के मैदान में क्या दिखाई दिया कि जैसे ही सूरज की प्रकाश आई ना, सारे घास वाले जो क्षेत्र था वो घास पूरा हरा भरा, पूरा हरा भरा हो गया। ये घास पूरा हरा भरा हो गया, और घास जब हरा भरा हो गया तो देखे कि घास जैसे ही हरा भरा हुआ कि घास पर छोटे 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 उस पर कीट आने लगे। लो हुआ आश्चर्य की बात कि घास की जो पत्तियां थी उस घास की पत्तियां पर छोटे छोटे कीट आने लगा, और जो कीट आने लगा ना उसका नाम रख दिया घास का कीट। देखिए घास का कीट, अब जब घास का कीट आया तो पीछे से क्या देख रहे हैं कि उसके पीछे से भागल चल आ रहा है। कौन आ रहा है? तो छिपकली। बोले छिपकली तुम इधर कहां आ रहा है? कहता है कि हम जाएंगे तो जाएंगे, हम जाएंगे तो जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो कि कहां जाओगे? तो कि हम कीट के पास जाएंगे, कीट भागल जा रहा, हम कीट पर ही रहते हैं, क्योंकि तो कीट पर रहते हो कि कीट के खाते हो? तो कि नहीं, कीट को हम खाते हैं। तो कीट को जब तुम खाते हो तो कीट से तुम्हें क्या मिलती है? तो पेट भर जाता है, और पेट जब भर जाता है ना तो हम आराम से काम कर पाते हैं। हम कि जाओ तुम्हारे जाने के लिए छुट्टी है। तो इधर जो ये जो लिजार्ड है जैसे छिपकली कहते हैं, ये छिपकली घास के कीट को पीछा कर दिया। घास का कीट जो यहाँ जो यहाँ से जो लिया था ना वो पराग से बिक दिया उधर। हाँ कि बताइए हम थोड़ा सब दे ही नहीं सकते हैं, हम जो ले ले है ना उसमें से आधा हम बांट देंगे, आधा हम इसमें से बिक देंगे। हाँ जैसे आप बताइए नौकरी करते हैं पैसे कमाइएगा, तो पैसे जब कमाइएगा तो कमाए वाला से पूछे जो पैसे कमाते हैं उनसे पूछे कि वो पैसा जो कमाते हैं तो उसको कितना यानी भाग लगाते हैं? दो भाग, कुछ घर में खर्च करने के लिए और कुछ बताइए सेव करने के लिए। LIC वाले आते हैं कहते हैं भैया LIC का बताइए आप काम करवा लीजिए आप ही को फायदा होगी। बेलफेयर वाला आता है, चलिए बेलफेयर वाला का तो नाम मिटने जा रहा है, सहारा वाला वो भी उड़ गया। अब बताइए आप किस पर विश्वास करते हैं? तो अभी LIC है आप विश्वास कीजिए। तो वो सब आता है तो कुछ पैसा उसमें सेव कर दी जाती है ताकि भविष्य में काम आएगा। तो उसी तरह से जितना ही बेचारा लिया ना उसका कुछ भाग उसे हुमच के भीग दिया, तो हुमच के भीगा ना देखिए ना बाज जो था ना हॉक मुंह फाड़ लेता इसे, और जब मुंह ऐसे जो फाड़ा ना जाके गटाक से इसका मुंह में चल गया। तो कुछ ही चल गया, पैसा नहीं, इससे जो ऊर्जा लिया था ना घास से, घास का कीट, वो ऊर्जा कुछ दे दिया छिपकली को, क्योंकि छिपकली इसको लिया और जाकर बिगा ना हड़ाक से चल गया यानी बाज के पास। तो बाज भी इस चीज को ले लिया और बाज भी बताइए कहा कि आ हमें तो ऊर्जा मिल गया, और वही बताइए बाज भी इसको प्राप्त कर लिया। घास के मैदान की बात कर रहा हूं, ये तो मोहल्ला की बात है, ये आपके गांव में ऐसे मिलेगा हर जाल, लेकिन ये घास के मैदान को दर्शाना रहेगा तो आपको एग्जाम में यही वाला आ जाएगा, हर जाल दर्शाइए घास मैदानी क्षेत्रों के हर जाल से आप क्या समझते हैं। तो यही बता दीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश को जब लेता है हरे पौधे, तो हरे पौधे पर घास का कीट आश्रित होता है, जिसको छिपकली लेता है और छिपकली के अलावे उसको खाने वाले डायरेक्ट हॉक होता है। तो इस तरह से सीधा उसको दर्शाएंगे तो हार श्रृंखला बन जाएगी, और एक दूसरे के सहारे दर्शाएंगे तो जाल जैसी रचना बन जाएगी, और वही हार श्रृंखला को जब एक दूसरे के सहारे ऐड करते हैं तो जालनुमा रचना बनता है। यही जालनुमा रचना को आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जाल, यानी आहार जाल में आहार श्रृंखला होती है, और घास के मैदानी क्षेत्रों में और आपके मोहल्ला में आहार श्रृंखला कितना मिलता है तो आहार जाल बनता है? पूरे पांच। तो पूरे पांच आहार श्रृंखला मिलता है तो आहार जाल बन जाती है। समझ में आई बात है? कितना? पांच, और पांच आहार श्रृंखला मिलकर आहार जाल बनाता है। ये देखिए कहानी, इधर देखिए आप रैबिट की बात कीजिए। रैबिट भी बताइए आके घास को चर रहा था बड़े मजे से, खरहा जिसका कान देखे होंगे, और एक घास को चरा और चर करके एकदम बताइए पेट फुला लिया, बस एकदम मस्ती से भाग रहा था, आराम से बताइए भाग रहा था। जैसी मस्ती से जा रहा था ना कि कोई बताइए खा के एकदम मगरूम हो गया था, सो हॉक उसको जा करके नोच नोच के उसको बताइए खाने लगा रैबिट को। लेकिन रैबिट को जानते हैं जिंदा में ये नहीं खाएगा, इसको बताइए मरला के बाद उसको नोच नोच के खाएगा, एकदम उसको करके खा जाएगा इसको, हाँ मुँह चला चला के इसको खा जाएगा रैबिट को। तो देखिए इधर से भी यही गया, इधर से भी यही गया, यहां से भी यहां गया। आप भी दइए आप सीधा छुए तो भी कान छुए और मुंह से घुमा के तो कान में छुआएगा, मतलब ये देखिए कैसे कैसे जा रहा है। कहावत में कि गया कराकुर मत धो के जा रहा, वही हाल है, सीधे न जाकर के तिरछे जा रहा है। तो ये देखिए ये रैबिट को खाएगा, तो ये रैबिट को खाएगा तो वह बाज है, तो जो रैबिट को खाया वो बाज है, तो एक श्रृंखला इधर भी बन गया। तो 1 2 3 क्यों बना श्रृंखला?
थ्री श्रृंखला बन चुका है। अब इधर बताइए चूहा जी आ रहे हैं, चूहा जी घास को भी देखते होंगे, कुछ ना मिला ऐसे तो घर में रोटी खाता है, लेकिन ना जाने बताइए बाहर में जाकर खुद ही खा लगता है, क्योंकि मिलवे न करेगा तो जो मिलेगा घास फूस खा खा के पेट भरेगा। ऐसे भी चूहा बड़ी बदमाश होता है, आप देखिएगा ना घर में बताइए रंगीन रंगीन चूहा आपको आ जाता है। रंगीन का मतलब कि उसको पूरे परिवार के साथ चूहा आपके यहाँ एंट्री कर जाता है और पूरे परिवार के साथ रहता हुआ अकेले नहीं रहेगा, पूरे परिवार के साथ दिखाई देगा। हाँ मतलब छोटको रहतो, मंझल को रहतो, बड़ को रहतो, यानी सब रहेगा और सब मिलकर जानते हैं इसको चूहा को का कहानी है। घास के मैदान देने से अपना पेट फुलेल रहता है और छोटकन बचवा को लेवे न करता है तो छोटकन बचवा कहता है कि हम कौची खाएं, तो कहता है निकाल देता है बिलिया से अंदर की जाओ जाओ सबके बताइए घर में जाओ और जाकर के उसके घर में से खा जाओ। तो कोची खा जाएगा घर में से जाकर के रोटी, आप रखे रहिए ना हॉटपॉट में, जाकर रोटी खींच लेगा और जब रोटी खींच लेगा ना तो रोटी का कोना कोना खा जाएगा, फिर खा पाइएगा नहीं, खाइएगा भी नहीं, क्योंकि बताइए इसके लार में इसका नाम होता है जानते हैं डेंड्राइट्स, इसकी बताइए कर देगा आपको दिक्कत, इसलिए चूहा का बताइए लार के संपर्क में आने से दिक्कत होता है, क्योंकि इसे नाम है रोडेंट्स, क्या नाम है कृंतक, और ऐसे एक कीट के वर्ग में आता है, इसलिए ये सब के यानी जुठाया हुआ चीज मत खाइए, लोभ में रहिएगा ना दिक्कत हो जाएगी, वो खाया है तो और बल्कि उसको दे दीजिए, ले खाए था तो आओ खा लो बल्कि पेट फाड़ लो खा के, हाँ दे देना चाहिए क्योंकि बताइए वो खाना नहीं चाहिए। तो देखिए चूहा बताइए घास के मैदान से चूहा बताइए ले लेता है भोजन, लेकिन यहाँ इस संसार में कोई बचता नहीं है, बस ये रहेगा खा जाओ बेटा, लेकिन बताइए खा जाओगे लेकिन तोरों भी कोई कोई खावे करेगा, इसको सांप खाएगा है कि नहीं, तो कुछ इसको सांप खा जाएगा और सांप के डर से कुछ बताइए ऊर्जा जो है कुछ जैसे ना बाज को दे देगा, यदि सांप से बच भी गया ना तो ये बाज उसको बचने नहीं देगा, यानी बाज उसको अवश्य ही खा जाएगा। तो इधर यानी सांप से भी डर है, इधर बाज से भी डर है, तो चूहा यहाँ क्या क्या पता है, यहाँ पर चूहा का काम हुआ क्या चीज करना, चूहा का काम है सबको पता होना चाहिए कि चूहा का काम हुआ घास से ऊर्जा लेना, और जब घास से ऊर्जा जब ले लिया तो घास से ऊर्जा को प्राप्त करके और यह स्नैक को दिया, और यहाँ पर ये माउस स्नैक के अलावे सीधे बाज को भी दिया, तो ये बाज कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा से ज्यादा यानी भोजन लेने का काम कर रहा है कौन, तो सांप। सांप से बताइए सांप जो है ऊर्जा, सांप से ज्यादा ऊर्जा कौन प्राप्त कर रहा है, बाज। तो बाज एक माध्यम से, दो माध्यम से, तीन माध्यम से, चार माध्यम से, पांच माध्यम से बाज को पूरा पूरा बताइए पोषण यहां मिल ही गया, और पूरा जो बाज का पोषण मिला वह एक श्रृंखलाबद्ध तरीका से नहीं बल्कि कई श्रृंखला को मिलाकर एक जाल जैसी रचना से, और कई श्रृंखलाएं जब एक साथ मिलकर एक जाल नुमा रचना बनाती है तो यही जाल नुमा रचना को कहते हैं आहार जाल, जिसमें कई जीव एक साथ जुड़े रहते हैं, और इनमें सभी का यदि कोई यानी हिस्सा है और सभी का कोई इसमें हेड है तो वह सन है। यदि सूर्य नहीं होता तो यह सूर्य नहीं होता तो घास नहीं होती, और घास नहीं होता तो आहार जाल नहीं होता, इसलिए सूर्य की प्रकाश आना आवश्यक है क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही आहार जाल की रचना है। तो आहार जाल की रचना, आहार जाल का निर्माण सूर्य की प्रकाश से होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि इस आहार जाल में कितनी श्रृंखला है, पांच श्रृंखला है, पांच श्रृंखला में कौन कौन जीव शामिल है वह एक नजर आप आराम से देखना, और आराम से देखने के बाद याद हो जाएगा। यदि आपको दिक्कत आहार जाल के घास के मैदान का आहार जाल में दिक्कत होगी तो अपने घर और अपने गांव अपने मोहल्ले का आहार जाल को याद रखना, और इस आहार जाल के साथ आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगी। आप यदि इस टॉपिक को याद करके आप एग्जाम में जाते हैं तो हूबहू आप जाकर उतारिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, और सेम टू सेम जाकर उतारिएगा तो वही आपको अंक दिलाएगा। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि आहार जाल आपको एक मोहल्ले से लेकर के आपको घास मैदान तक का था, यही आपका मुख्य आज का यह टॉपिक है। और आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके जरूर बताइए ताकि हमें पता चले कि आप यानी टॉपिक को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।